सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व है उसको हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो स्ट्रेन स्ट्रेस और जो कर्व है उसको क्या करने वाले हम देखने वाले हैं। ये क्या हो गया हमारा स्ट्रेन और ये हमारा स्ट्रेस हो गया। ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है हमारा, स्ट्रेन और स्ट्रेस का ग्राफ कुछ ऐसा हमारे पास है। तो पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है यहाँ पे एट पॉइंट ए पे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है पॉइंट ए पे। अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है देखते हैं, पॉइंट ए पे क्या होता है। इन दिस डायग्राम दिस इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट ए तक का एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि विच रिप्रेजेंट द डायरेक्टली स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बियॉन्ड पॉइंट ए। पॉइंट ए के जो पीछे जितना भी ये है, पॉइंट ए से पीछे यानी कि ओ से लेकर ए तक, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रेस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन है। क्या हमारा कि क्या है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन है। ओके उसके बाद कह रहा है बियॉन्ड पॉइंट ए द कर्व, उसके बाद कह रहा है प्रोपोर्शन टू पॉइंट ए द कर्व स्लाइटली डेविएट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या कर रहा है कि पॉइंट ए के बाद क्या कर रहा है कि जो हमारा लाइन स्ट्रेट लाइन वो क्या कर रहा है डेविएट, थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी। द हुक स्लो होल्ड गुड अप टू पॉइंट ए, यानी कि हुक स्लो हमारा कहाँ तक होल्ड करता है पॉइंट ए तक, जीरो से ओ से लेकर हमारा ए तक क्या हमारा हुक स्लो होल्ड करता है। एंड इट इज़ नोन एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये क्या हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा जीरो ओ से पॉइंट ए तक क्या होता है स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा स्ट्रेन, यानी कि जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही कितना होगा स्ट्रेन चेंज होगा। स्ट्रेस हमें पता है, स्ट्रेन भी हमें पता है कि जो भी डिफॉर्मेशन होता है बॉडी के ऊपर वो क्या करता है इसको रजिस्ट करता है, और स्ट्रेन यानी कि उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं जो, वो क्या हो गया हमारा स्ट्रेस। पिछले लेक्चर हमने देख रखा कि स्ट्रेन क्या होता है और स्ट्रेस क्या होता है। यहाँ से और यहाँ तक क्या हमारा हुक लो क्या करता है होल्ड करते हैं, और इसको यहाँ जीरो से ए इस ओ से लेकर ए पॉइंट तक हमारा क्या है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। एंड इट इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मे बी डिफाइंड एज द स्ट्रेस एट विच द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिगिन टू डेविएट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो हमारा ओ पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक हमारा क्या है हुक्स लो क्या करता है यहाँ पे होल्ड करता है, और यह बोल सकते हैं कि हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। और बोल सकते हैं जो इसके बाद जो डेविएट करेगा, जो हमारी स्ट्रेट लाइन वो डेविएट कर रही है, ये क्या हो जाएगा इसके पहले वाला हमारा क्या हो जाएगा हुक्स लो, और बोल सकते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलास्टिक लिमिट क्या था पॉइंट ए पे, सॉरी पॉइंट बी पे हमारा क्या है इलास्टिक लिमिट। इट मे बी नोटेड दैट इवन इफ द लोड इज इंक्रीज बियॉन्ड पॉइंट जो हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट ए के बाद हम क्या करेंगे अपने लोड को जब हम इंक्रीज करेंगे अप टू पॉइंट बी तक, पॉइंट बी तक द मटेरियल विल रिगेन इट्स शेप एंड साइज व्हेन द लोड इज रिमूव्ड मीन्स दैट द मटेरियल हैज इलास्टिक प्रॉपर्टी। यानी कि हम क्या करेंगे हम पॉइंट बी से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जब हम लोड लगाएंगे तो क्या होगा वो थोड़ा सा डिफॉर्म होगा, लेकिन जैसे ही हम लोड को रिमूव कर देंगे तो क्या करेगा ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं इसके पास क्या है एक इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी अप टू पॉइंट ए यानी पॉइंट ए तक क्या इसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी। दिस पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट, और इसे क्या कहते हैं और जो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। द इलास्टिक लिमिट मे बी डिफाइंड एज द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द मटेरियल विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। जो हमारा इलास्टिक लिमिट उसको हमने दूसरे तरह से डिफाइन कर रखा है कि जैसे कि जो स्ट्रेस डेवलप होता है मटेरियल के अंदर
स्ट्रेस डेवलप और मेटेलिक कंडीशन विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन, उससे कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। उसके बाद यील्डिंग पॉइंट, यील्डिंग पॉइंट क्या होता है, यील्ड मतलब होता है कि प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन होने लग जाता है, यानी कि देखते हैं कि पॉइंट सी और डी पे क्या हमारा यील्डिंग पॉइंट, यील्ड पॉइंट है। जो हमारा पॉइंट ए हो गया, सी और डी पे क्या हमारा यील्ड पॉइंट है। इफ द मटेरियल इज स्ट्रेस बियॉन्ड पॉइंट बी, क्या द मटेरियल इज स्ट्रेस बियॉन्ड पॉइंट ए, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, स्ट्रेस लगा रहे थे जो ए के बी से, जो पहले हम जो स्ट्रेस लगा रहे थे, द प्लास्टिक विल रिच, यानी कि प्लास्टिक में वो क्या करे, वो प्लास्टिक रीजन तक पहुंच रहा था, जैसे कि ऑन द रिमूवल ऑफ लोड द मटेरियल विल नॉट बी एबल टू कवर द ओरिजिनल शेप एंड साइज। इसमें क्या होगा, जो हमारा पॉइंट सी है, पॉइंट सी तक बोल सकते हैं, जो हमारा पॉइंट सी और डी है, यहाँ पे क्या करेंगे, अपने लोड को जब हम रिमूव कर देंगे तो क्या करेगा ये, अपने जो ओरिजिनल साइप है और शेप को क्या करेगा, रीगेन नहीं कर सकता। इसमें ये कह रहे हैं कि द स्ट्रेन इंक्रीज एट अ द स्ट्रेस इंक्रीज एस एट अ फास्टर रेट विथ एनी इंक्रीज इन द स्ट्रेस अंटिल द पॉइंट सी इज रिचेस्ट एट दिस पॉइंट द मटेरियल यील्ड बिफोर द लोड एंड देयर इज अ नो एप्रिसिएबल स्ट्रेन विदाउट एनी इंक्रीजिंग इन द स्ट्रेन। इन दिस केस ऑफ माइल्ड स्टील इट विल बी सीन दैट द लोड ड्रॉप टू डी इमिडिएटली आफ्टर यील्डिंग पॉइंट। यील्डिंग पॉइंट ये होता है कि जैसे ही कि क्या होता है, हम क्या करते हैं, ए तक तो हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, बी तक हमारा इलास्टिक लिमिट था, बी उसके बाद सी और डी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि हम क्या करें, अपने मटेरियल पे जो लोड लगा दें उसके बाद उसको रिमूव करें, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या उसमें थोड़ा सा डिफॉर्म हो जा रहा है, यानी कि स्टार्टिंग ये क्या सी जो हो जा बोल सकते हैं कि ये हमारा एल्डिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है और डी हमारा है कि एंडिंग ऑफ स्टार्ट एल्डिंग पॉइंट है। सी बोल सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग यील्डिंग पॉइंट है और डी बोल सकते हैं कि हमारा डी हमारा एंड ऑफ यील्डिंग पॉइंट। यील्डिंग मतलब कि प्रोडक्शन, उसमें और भी स्ट्रेस आने लग जाता है, जैसे कि ये बोल रहे हैं ऊपर वाले में, सो देयर आर टू यील्डिंग पॉइंट एट देयर आर टू यील्डिंग पॉइंट सी एंड डी। द सी पॉइंट इज कॉल्ड अपर लिमिट अपर यील्ड पॉइंट व्हाइल द पॉइंट डी इज कॉल्ड द लोअर यील्ड पॉइंट। जो अभी मैंने कहा जो स्टार्टिंग में, यानी कि जो पहले आएगा, जो हम जिसको बोल रहे थे कि स्टार्टिंग ऑफ यील्डिंग को हम क्या बोल सकते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट बोल सकते हैं, और जो एंडिंग था उसको बोल सकते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, ये बोल सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा यील्डिंग पॉइंट हो गया, सी और डी हो गया। नेक्स्ट हमारा अल्टीमेट, अल्टीमेट बोल दे तो फाइनल स्ट्रेस, फाइनल स्ट्रेस। अब इसमें देखिए क्या कहते हैं, फाइनल स्ट्रेस बोल सकते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस बोल सकते हैं। पॉइंट ई पे, पॉइंट ई है हमारा ये रहा, पॉइंट ई पे क्या रहता है हमारे पास, फाइनल स्ट्रेस रहता है, या बोल सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस रहता है। एट पॉइंट डी द स्पेसिमेन रिगेन सम स्ट्रेंथ एंड हाई वैल्यू ऑफ स्ट्रेस आर रिक्वायर्ड टू फॉर हाई स्ट्रेन, यानी कि इसमें क्या होता है कि द स्ट्रेस गोज ऑन इंक्रीजिंग स्टिल द पॉइंट एफ स्टिल द पॉइंट ई रिचिज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द स्ट्रेन ऑफ द स्पेसिमेन इज फॉलोड विद द यूनिफॉर्म रिडक्शन ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। एट पॉइंट ई द स्ट्रेस अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि जब हमारा यील्डिंग पॉइंट क्या हो रहा था, यील्डिंग पॉइंट हमारा
पॉइंट सी और डी पे था। अब क्या अल्टीमेट में क्या लग जाता है कि वो मटेरियल से लोड हटाने के रिमूव करने के बाद भी क्या होता है कि उसमें स्ट्रेन आता रहता है, यानी कि उसमें चेंजेस, उसके इलोंगेशन उसमें होते लग जाता है, इलोंगेशन स्टार्ट इलोंगेशन होने लग जाता है, यानी कि अब वो क्या हो जाता है, जैसे ही हमारा यील्डिंग पॉइंट एंड होने लग जाता है उसके बाद क्या करते हैं मटेरियल इलोंगेशन उसमें होने लग जाती है, इलोंगेशन होने लग जाती है, ये क्या हो गया हमारा अल्टीमेट, यानी कि उसमें क्या हो जाता है कि हमारा फाइनल स्ट्रेस हो जाता है कि अब उससे ज़्यादा और नहीं वो बड़ा हो सकता, वो मटेरियल और भी क्या कर सकते हैं कि और भी इलोंगेट नहीं हो सकता, अब उससे ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाता। तो अगला हमारा पॉइंट है ब्रेकिंग स्ट्रेस एट पॉइंट एफ पे, हमारा क्या है यहाँ पे एफ पॉइंट पे, क्या हमारा एफ पॉइंट पे हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस है। आफ्टर द स्पेसिमेन हैड रीच द अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टी जो हमारा जो स्पेसिमेन यानी जो सैंपल था उसने क्या करा अल्टीमेट स्ट्रेस तक पहुंच गया, अब उससे ज़्यादा क्या करेंगे, अब उससे ज़्यादा थोड़ा भी और लोड लगाएंगे तो क्या होगा वो ब्रेक हो जाएगा, उसमें और भी अब थोड़ा सा लोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। आफ्टर द स्पेसिमेन हैज रीचेज द अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस रिचेस कर पहुँचने अल्टीमेट रिचेस के पास पहुँचने के बाद अ नेक इज फॉर्म्ड विच डिक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एक नेक बन जाएगा, यानी कि वहाँ का क्या होगा कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। अ लिटल कंसिडरेशन विल शो दैट द स्ट्रेस नेसेसरी टू ब्रेक अवे द स्पेसिमेंस इज लेस देन द मैक्सिमम स्ट्रेस, उसके बाद क्या हो जाएगा कि उसके बाद मतलब कि नेक पे क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने लग जाएगा, उसके बाद उस पर लोड और लग गया था क्या हो जाएगा उसके बाद वो ब्रेकिंग वहाँ से वो टूट जाएगा। द स्ट्रेस इज देयर फॉर रिड्यूस अंटिल द स्पेसिमेन ब्रेक अवे एट पॉइंट एफ, द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग एट पॉइंट एफ इज नोन एज हमारा ब्रेकिंग पॉइंट, और क्या हो जाएगा एफ पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि वो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा मटेरियल ब्रेक हो जाएगा और उसको क्या कहेंगे हम ब्रेकिंग पॉइंट ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो गाइस इसमें क्या था कि हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में क्या था, जितना हम स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही स्ट्रेन लगेगा, जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही स्ट्रेन लगेगा, लिमिट ऑफ इसमें क्या होता है इलास्टिक लिमिट में कि पॉइंट बी पे इलास्टिक लिमिट यानी कि उसको मटेरियल पे से लोड हटाने की बात क्या रहे तो अपना साइज और शेप को क्या रिगेन कर लेता था। उसके बाद पॉइंट सी और डी पे क्या यील्डिंग पॉइंट आता रहता जिसमें क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यील्डिंग आ जा रहा था और एंडिंग पॉइंट ऑफ यील्डिंग जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे क्या मतलब और भी वो क्या मटेरियल स्ट्रेच होने लग जाता उसमें और भी मटेरियल उसमें और भी मटेरियल स्ट्रेच होने लग जाता है यानी कि इलोंगेट बोल सकते हैं कि वो यील्ड मतलब प्रोडक्शन हो जाता है और भी ज़्यादा उस पर लोड लगाते हैं थोड़ा सा तो उसके अंदर क्या होता है प्रोडक्शन बढ़ता ही जाता है। उसके बाद जो स्टार्टिंग उसको हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट और जो हमारा डी पॉइंट उसको बोलते हैं अपर सॉरी सी वाले पॉइंट क्या बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट और डी वाले को बोलते हैं हम लोअर यील्ड पॉइंट। उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेस ऐसे पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पे कि क्या होगा कि क्या होता है कि मटेरियल ऐसे ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है कि अब उससे ज़्यादा वो और भी उसमें यील्डिंग नहीं हो सकती, ऐसे पॉइंट पहुंच जाता है जहाँ पे क्या हो सकता है कि अब यील्डिंग पॉइंट अब ख़त्म हो गया, अब उसके आगे मतलब मैक्सिमम उसने क्या कर रखा है स्ट्रेन उसमें बहुत सारी डिफॉर्मेशन हो चुकी है, अब उससे ज़्यादा क्या करें मतलब अल्टीमेट ये फाइनल स्ट्रेस होता है उसमें फाइनल स्ट्रेस, अब उससे ज़्यादा और स्ट्रेस लगा तो वो क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, यानी ऐसा पॉइंट है पॉइंट ई ऐसा पॉइंट है कि अल्टीमेट बिल्कुल ही फाइनल स्ट्रेस है, अगर उससे ज़्यादा और भी लोड लगाया तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो पॉइंट उसके बाद हमारे पास है ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट एफ पे, पॉइंट एफ क्या हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस है क्योंकि क्या कर लिया उसने क्या कर लिया अल्टीमेट स्ट्रेस को क्रॉस कर दिया, अब ज़रा सा भी हमने लोड लगाया तो क्या वो ब्रेक हो गया, ये क्या हो गया हमारे फाइव पॉइंट्स हो गए और ये हो गया हमारा स्ट्रेन और स्ट्रेस का ग्राफ हो गया।
ओके गाइस, तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि मैक्सिमम और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, द मैक्सिमम और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू विच अ स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू अ इन सॉरी सब्जेक्टेड इन अ टेंसाइल टेस्ट एंड द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस का, यानी कि फाइनल टेंसाइल स्ट्रेस में, टेंसाइल अल्टीमेट मतलब होता है फाइनल, और टेंसाइल बोले तो इसमें क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं बॉडी, क्या करते हैं स्ट्रेच करते हैं, मतलब बॉडी को स्ट्रेच करते हैं इस साइड से, बोल सकते हैं कि हम स्ट्रेच करते हैं। ओके, तो ये क्या है, और स्ट्रेस हमारा हो जाएगा डिफॉर्मेशन होने से जो रोकता है, तो ये बोल सकते हैं मैक्सिमम लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि जितना हमारे पास मैक्सिमम लोड लगा टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, यानी कि जितना हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया पर मैक्सिमम हमारा लोड लगा वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। उसके बाद वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, वर्किंग इन एक्चुअल प्रैक्टिस द मटेरियल इज नॉट सब्जेक्टेड अप टू अल्टीमेट स्ट्रेस। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि मटेरियल अप टू इज नॉट सब्जेक्टेड टू अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस तक नहीं लगता है, मटेरियल को अल्टीमेट स्ट्रेस तक नहीं पहुंच पाता, बट ओनली अप टू अ फ्रैक्शनल ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी कि उसमें कुछ फ्रैक्शनल होता है, दिस स्ट्रेस इज नोन एज वर्किंग स्ट्रेस, दिस स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज अलाउेबल स्ट्रेस और परमिसेबल स्ट्रेस। अब देखिए इसमें क्या है कि वर्किंग स्ट्रेस में क्या होता है कि वर्किंग स्ट्रेस मतलब कि बोल सकते हैं कि कोई भी हमारा एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या है कि अलाउेबल मतलब कि उस पे दो बंद, उस पे मान सकते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास उस पे 10 बंदे बैठ सकते हैं, वो क्या होगा, उसको अलाउेबल हो गया, वो क्या मतलब अलाउेबल हो गया, वो हो गया उसका वर्किंग स्ट्रेस। लेकिन उससे ज़्यादा, अगर उससे ज़्यादा 10 से ज़्यादा अगर 12 बैठे गए या 13 बजे 14 बज गए तो वो क्या हो सकता है, टेबल टूट जाएगा, यानी कि जब तक वो वर्क करता है कि अलाउेबल कितना है और परमिसेबल, यानी कोई भी टेबल है या कोई भी मटेरियल है उस पर क्या कर सकते हैं कि उसको 10 सेंटीमीटर ही बोल सकते हैं स्ट्रेच कर सकते हैं, या टेबल की बात करें तो उस पर 10 बंदे ही बैठ सकते हैं, और उससे ज़्यादा बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया हमारा वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस अल्टीमेट जो फाइनल हमारे पास स्ट्रेस होता है अपन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है हमारे पास, इसका रेशियो होता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस, यानी कि बोल सकते हैं फेलियर स्ट्रेस अपॉन में, के बोल सकते हैं अल्लाह परमिसिबल या अलाउेबल, जहाँ पे फेल हो जाएगा, और किसका रेशियो, ये हमारा फेलियर स्ट्रेस का टू परमिसिबल, यानी कि जितना भी इसको परमिसिबल है कि उस मटेरियल पे इतना लोड जा सकता है, इतना लोड जा सकता है, और क्या करेगा उसके बाद हमने लोड लगाया तो क्या करेगा, फेल कर जाएगा, ये उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट में, जहाँ तक वो अलाउेबल है, जहाँ तक परमिसिबल हो गया। उसके बाद हमारे फैक्टर अफेक्टिंग द फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पहला है कि टाइप ऑफ लोड कैसा है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ लोड कैसा है, डिग्री ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड कितनी है और डिग्री ऑफ इकोनॉमी रिक्वायर्ड कितना है, डिपेंडेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर कैसा है, लाइफ स्पेन ऑफ स्ट्रक्चर कैसा है, और द एक्यूरेसी विच द लोड एंड स्ट्रेस कैन बी प्रिडिक्ट। और अपने लोड को कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ ये हमारे पास मटेरियल, उसके डेड लोड है हमारे पास, लाइव लोड है, उसके बाद शॉकिंग लोड यहाँ पे हमारे पास गिवन है, तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं इसमें क्या क्या गिवन है कि मटेरियल, डेड लोड, लाइव लोड और यहाँ पे शॉकिंग लोड हमारे पास गिवन है, आप चाहिए इसको लर्न कर सकते हैं।
फिर उसके बाद है हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस इसका रेशियो हमारे पास दो, लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट अपॉन में क्या हो जाएगा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाएगा, जहाँ पे वो टूट जाता है। द लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट, जहाँ पे लोड ब्रेकिंग पॉइंट पे जितना लोड लगा अपन में ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। यील्डिंग पॉइंट, जहाँ पे वो क्या कर रहा था प्रोडक्शन हो जाने, यानी कि लोड एट यील्डिंग पॉइंट अपन में क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि बोल सकते हैं कि जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लोड लग रहा है यानी कि यील्ड हो रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा यील्डिंग पॉइंट। सिमिलरली क्या था जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हमारा क्या हो रहा था ब्रेकिंग पॉइंट हो रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस। सेम उसके बाद हमारे परसेंटेज इलोंगेशन या बोल सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, ये हमारा परसेंटेज इलोंगेशन निकालने का तरीका है कि जो एफ इफ एफ ये क्या ओरिजिनल एल ओ इज द ओरिजिनल गेज लेंथ एंड एफ एल इज द फाइनल लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ द गेज लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि इलोंगेशन जब परसेंटेज इलोंगेशन निकालना पड़ेगा तो हमें किसका क्या करना पड़ेगा कि जो फाइनल हमारा लेंथ है उसमें से माइनस करना पड़ेगा ओरिजिनल अपॉन में ओरिजिनल लेंथ इंटू में क्या करना पड़ेगा 100। उसके बाद ये परसेंटेज परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, ये परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया में कैसे निकालते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल में से क्या कर देंगे फाइनल को माइनस कर देंगे अपॉन में ओरिजिनल इंटू में 100 कर देंगे, तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया में क्या निकल जाएगा हमारा परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया में। गाइज ये क्या है हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज। अब हम क्या करने वाले हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा स्ट्रेन और स्ट्रेस का ग्राफ देखा था और उसके फॉर्मूला और यूनिट्स देखी थी। अब हम क्या करने वाले हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था क्या स्ट्रेन होता है स्ट्रेस क्या उसका फॉर्मूला और जो भी उसकी यूनिट्स है, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला हमारे पास एक क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है बोल रहा है कि अ रोड 2 मीटर का 2 मीटर लॉन्ग है एंड उसका कि 30 mm का डायमीटर है इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 30 kN इफ द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोड इज इतना 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर डिटरमाइन। हमें पता लगाना कि स्ट्रेस क्या होगा स्ट्रेन और इलोंगेशन ऑफ रोड क्या है, यानी कि हमें पास सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमें चीज़ गिवन है उसको पहले लिखना पड़ता है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा क्या कह रहा है कि अ रोड लॉन्ग, अ रोड है 2 मीटर लॉन्ग है यानी कि 2 मीटर एल बोल सकते हैं, यानी कि लेंथ है हमारा है 2 मीटर का। इसको क्या करना पड़ेगा हमें चेंज करना पड़ेगा हमारा मीटर में, तो इसको क्या करना मिलीमीटर, मिलीमीटर में हमें चेंज करना है क्या करना पड़ेगा हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिलीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि एंड 30 mm का डायमीटर, डायमीटर हमारा कितना है 30 mm का। उसके बाद कह रहा है कि इस अप्लाइड एन एक्सियल पुल, यानी क्या कर रहे हैं कि अप्लाइड बोल सकते हैं सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल, हम क्या कर रहे हैं एक एक्सियल पुल लगाने, पुल बोल तो क्या हो गया हमारा जो हमारा लोड हो गया बोल सकते हैं कि हमारा लोड, लोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पी से, लिख सकता हूँ उसको मैं 30 kN। अब इसको क्या करना पड़ेगा कि मुझे चेंज करना पड़ेगा इसको
न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा। जब हमें क्या करना पड़ेगा, किलो न्यूटन समय न्यूटन में चेंज करा, 30 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 10^3, इंटू में 10^30, इंटू में 10^3, ये क्या हो जाएगा न्यूटन में चेंज। और हमारे पास क्या गिवन है, इफ द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ रोड इज इतना, यानी कि यंग मॉडुलस यानी कि ई हमारे पास, ई हमारे पास है 2×10^5 न्यूटन मिली मीटर स्क्वायर। हमें पता चल गया क्या क्या है, एक रॉड की बात हो रही थी जो हमारा उसकी लेंथ 2 मीटर थी, उसको क्या करनी है हमने मिली मीटर में चेंज, डायमीटर था हमारे पास 13 mm का। उसके बाद हमारे पास एक एक्जियल पुल बोल सकते हैं, एक लोड लग रहा था एक्जियली 30 kN, उसको हमने न्यूटन में चेंज कर दिया, 30 इंटू में क्या करें 10^3 कर दिया न्यूटन। उसके बाद यंग मॉडुलस, अब हमें फाइंड क्या करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन और इलोंगेशन। नाउ अब क्या करेंगे हम, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पहले निकालना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रोड क्या हो जाएगा, एरिया को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं π/4 × d का स्क्वायर। हमारा कितना है पाई, कितना हमारा पाई बाई कितना होता है 22/7, और ये डी हमारा कितना है, डी हमारा है 30 30² क्या आ जाएगा हमारे पास 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आप चाहिए इसका कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, कि 22/7 × 4 और 30 का हमें करना है स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई डिवाइड पे, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 7/06.86 mm² आ जाएगा। एरिया क्या आ जाएगा हमारा, मिलीमीटर स्क्वायर में हमारा क्या आ जाएगा एरिया। आप क्या चाहिए इसको कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर हमारा अलाउड है। ओके ये कितना आ जाएगा हमारा 7/06.86 mm क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एरिया। अब हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन और इलोंगेशन। स्ट्रेस अब निकालते हैं हम, पहला पॉइंट है स्ट्रेस, लोड अपॉन में एरिया होता है, तो लोड कितना हमारा, लोड है 3×10^3 अपॉन में एरिया हमने निकाले 7.6086, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 42.44, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा स्ट्रेस, ये क्या आ गया हमारा स्ट्रेस आ गया। उसके बाद क्या कह रहा था, क्या कर लिया हमारा जो स्ट्रेस का फॉर्मूला था, लोड अपॉन में एरिया, एरिया हमने अभी निकाला है, उसके बाद लोड हमें गिवन था, उसको जो किलो न्यूटन में था हमारा क्या था किलो न्यूटन, उसको न्यूटन में चेंज करा तो हमारे पास 10^3 आ गया। उसके बाद में इन दोनों को क्या कर दिया डिवाइड, हमारे पास कितना आ गया लोड आ गया, हमारे पास स्ट्रेस आ गया, हमारे पास 42.4 N/mm² आ गया। उसके बाद स्ट्रेन कह रहा है, स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन को हम बोलते एप्साइलन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा अपॉन में ई यंग मॉडल, सिग्मा अभी अभी हमने निकाला 42.44, और यहाँ पे है यंग मॉडुलस हमें गिवन था 2×10^5, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.00021, ये क्या हो गया हमारा स्ट्रेन आ गया। अब इलोंगेशन फाइंड करने का जो हमारा तरीका है, इलोंगेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम क्या कर सकते हैं इलोंगेशन के लिए,
कि डेल्टा एल इक्वल टू एप्साइलन इंटू में एल। एप्साइलन ये क्या होता है? इलोंगेशन फाइंड करने का, जिसको हम डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इलोंगेशन जो हमारा एप्साइलन यानी कि स्ट्रेन हमने अभी निकाला 0.00021 इंटू में क्या हो जाएगा हमारा एल कितना आ गया? एल हमें गिवन था 2000। उसके बाद ये क्या जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.424 mm में क्या आ जाएगा हमारे पास इलोंगेशन। गाइज ये क्या हो गया हमारे पास, जो रोड के क्या बताना था, हमारा रोड था उसका लेंथ दे रखा थी, डायमीटर दे रखा था, हमें क्या बोल रहा था उसका स्ट्रेस स्ट्रेन और इलोंगेशन निकालो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ब्रास है, अब ब्रास रॉड 2 सेंटीमीटर है डायमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 1.5 क्या है मीटर लॉन्ग है, इज अप्लाइड बोल सकते हैं या सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल। हम क्या करें, एक एक्सियल पुल लगा दें 4 टन का। फाइंड करना है द स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलोंगेशन ऑफ बार इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द ब्रास इज इतना, यानी कि जो हमें गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। गाइस ये क्या था हमारा सेकंड क्वेश्चन का, इसमें जो जो गिवन है उसको पहले हम क्या करेंगे लिखना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन क्या क्या, हमारे पास डायमीटर था, डायमीटर क्या था 2 सेंटीमीटर था, लेंथ हमें था 1.5 mm का था, इसको क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा हमें मिलीमीटर में, तो यानी बोल सकते हो 1500 में क्या हो जाएगा मिलीमीटर में हमारा लेंथ है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा जो हमारा फोर्स है कितने का, 4 टन्स का था, 4 टन। लोड हमारा क्या था, लोड बोलेंगे तो 4 टन का था। जब हमने कह रहे मीटर से मिलीमीटर में करा तो हमने कह रहा 1000 से मल्टीप्लाई करा, जब 1000 से मल्टीप्लाई करा थाउजेंड से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गया 1500 कितना आ गया हमारा, 1500 हमारा क्या आ गया लेंथ आ गया। अब हमारा 4 टन कितना था, 4 टन इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा इसको टन में तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको केजी में, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4000 kg। और हमें यंग मॉडुलस हमें गिवन है 1.0 × 10⁻⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या करा, जो मीटर में दे रखा था लेंथ मीटर में थी उसको मिलीमीटर में चेंज कर दिया, उसके बाद जो टन था 4 टन को हमने कर लिया केजी में कर लिया, उसके बाद जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या कर फाइंड क्या करना था इसमें, स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन और इलोंगेशन सेम जो पहला क्वेश्चन था, एरिया निकालना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमारा आ जाएगा 5/4 × d का स्क्वायर, 5/4 d कितना है हमारा 2 है स्क्वायर, इसको करेंगे तो 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे स्ट्रेस निकालेंगे, स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सिंपली हम क्या कर सकते हैं अपने स्ट्रेन को निकाल सकते हैं।
स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं लोड अपॉन एरिया। लोड हमारे गिवन है 4000 अपॉन में एरिया, सॉरी एरिया हमारा है 13.14। इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2127 3.88 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, स्ट्रेन का फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा अपॉन में यंग मॉडुलस। सिग्मा हमारे 1273.88 और हमारा यंग मॉडुलस हमें गिवन था वो है 1.0 × 10⁻⁶। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.00127 थी। और इलोंगेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास आ जाएगा एप्साइलन इंटू में एल। एप्साइलन स्ट्रेन हमने निकाल लिया 0.00127 3 इंटू में क्या आ जाएगा एल हमारे पास है, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1.91 mm क्या हो गया इलोंगेशन। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, किसके जो हम अगले वीडियो में इसको और भी कवर करेंगे जिसमें टॉपिक बच गया है। सो गाइस थैंक यू सो मच।